नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर रेलवे स्टेशन से मादक पदार्थ से भरा बैग जब्त। डिजिटल प्लेटफॉर्म से महामेट्रो ने लक्ष्य पाया, कोविड स्वास्थ्य कर्मी होंगे प्रशिक्षित। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नागपुर रेलवे स्टेशन से मादक पदार्थ से भरा बैग जब्त। नागपुर रेलवे स्टेशन पर आज शाम एक ट्रेन से मादक पदार्थ से भरा बैग जब्त किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल को प्रथम दृष्टया ब्राउन शुगर होने का संदेह है। हालांकि खबर लिखे जाने तक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम के स्टेशन पर पहुंचकर इसकी जांच न किए जाने से यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि यह कौन सा मादक पदार्थ है। RPF कमांडेंट आशुतोष पांडे ने बताया कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस में RPF की पेट्रोलिंग टीम गश्त लगा रही थी। इस दौरान ट्रेन के एक स्लीपर कोच में टीम को लावारिस हालत में एक बैग मिला। बैग में विस्फोटक या अन्य संदिग्ध वस्तु होने का संदेह होने पर टीम ने तुरंत नागपुर RPF पोस्ट को सूचित किया। ट्रेन शाम 4:00 नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई। नागपुर RPF टीम ने सतर्कता बरतते हुए इस बैग को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर CCTV की निगरानी में रख दिया। बैग खोलने पर उसमें एक पॉलिथीन में छोटी छोटी कई पूड़ियां मिली। इन पूड़ियों में प्रथम दृष्टया बैग में ब्राउन शुगर होने का संदेह है। तो वही दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म से महामेट्रो ने लक्ष्य पाया। कोविड काल में महामेट्रो के नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने वित्त वर्ष 2020-2021 में आर्थिक प्रगति का लक्ष्य हासिल किया है। यह सफलता डिजिटल प्लेटफॉर्म 5-डाइमेंशनल बिल्डिंग कन्फॉर्मेशन प्रणाली के उपयोग से ही हासिल हो सकी है। कठिन दौर में बेहतरीन कार्य करने के प्रति महामेट्रो के प्रबंध संचालक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने संतोष जताया है। तो वही तीसरे और कोविड स्वास्थ्य कर्मी होंगे प्रशिक्षित। 7 से 18 जून तक सभी कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की पार्श्वभूमि में जिला प्रशासन ने ग्रामीण परिसर में जन जागृति अभियान आरंभ किया है। अब स्वास्थ्य कर्मियों को प्रभावी उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 7 से 18 जून तक सभी कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने की दावा को देखते हुए जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेशकर ने यह आदेश जारी किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।